वो फ्रेंड रिसेंटली आपको एक स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिला था जो कि आपकी प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, जिसका नाम है मोटोरोला वन पावर। अब ये स्मार्टफोन आपको 5000 mAh की बैटरी, बेहतरीन स्क्रीन, नॉच वाली, आपको बेहतरीन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 और बहुत सारी चीज़ें आपको देता था काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल प्राइस पर। बट अब क्योंकि यहाँ पर स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देना है, स्मार्टफोन की क्वालिटी पर कंट्रोल करना, स्मार्टफोन की क्वालिटी को चेक करना, इन सब चीज़ों में जो है पीछे रह गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आप अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं ना कहीं से प्राइस को कट ऑफ करना पड़ता है, इस वजह से कोई ना कोई स्मार्टफोन में कहीं ना कोई कमी निकल के आती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटोरोला वन पावर की कुछ इश्यूज़ के बारे में, आप कह सकते हैं या फिर आप कहें ड्रॉबैक्स या बुरी बातें, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, इन बारे में आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। वो तो यहाँ पर ये जो इश्यूज़ मैं आपको इस स्मार्टफोन के बताने जा रहा हूँ वो बेस्ड हैं टॉप टेक रिव्यूअर्स के रिव्यू पर। ऑब्वियसली आई एम नॉट इन द पोजिशन कि मैं उस फ़ोन को रिव्यू कर सकूँ, क्योंकि ख़रीदने लायक पैसे नहीं है और कंपनी मुझे रिव्यू यूनिट भेजे उतने लाइक मेरे पास सब्सक्राइबर है। तो बाकी यार इतना तो सब्सक्राइबर्स तो हम कर ही सकते हैं, उसके लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे दबा देना। खैर अभी वो चीज़ नहीं करते हैं, सबसे पहले इशू की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो इसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है वो मिलता है डिस्प्ले से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको पोको F1 में देखने को मिलती थी काफ़ी अच्छी नॉच वाली डिस्प्ले थी, लेकिन उसमें एक इशू था, वो था स्क्रीन ब्लीडिंग का। अब ये सेम इशू आपको इस मोटोरोला के वन पावर स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है, जो कि मतलब डेफिनेटली सीधी सीधी बात है कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल की तरफ सवाल उठाता है कि यहाँ पर किस तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिली। अगली जो प्रॉब्लम है वो भी रिव्यू करने के बाद ही पता चल सकती है, तो वो ये थी कि आप जो है अगर इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है और फोन जो है आप अच्छा खासा यूज करने वाला, तो ये जो फोन है वो आपको हीटिंग इशू देने वाला है। यहाँ पर काफी मतलब आपको हीटिंग इशूज फोन में देखने को मिल सकते हैं, नॉट इन द बैटरी कंपार्टमेंट में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली जितने एक बैटरी को हीटअप होती है उतनी होनी थी इस फोन में, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर वाली साइड है वहां पर आपको हीटिंग इशूज फोन में देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब एक बड़ी बुरी बात है आप कह सकते हैं, या फिर आपकी तरफ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इस फोन को खरीदने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस बात को याद रखिएगा, इस फोन में आपको प्रोसेसर वाली साइड पे थोड़ी सी हीटिंग इशू देखने को मिल सकते हैं। अब ये अगर सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड है तो मे बी ये आगे अपडेट में फिक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये मतलब लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इशू आपको चलता हुआ मिलेगा आपके साथ ही साथ, कभी ये फिक्स ही नहीं हो पाएगा। अगला ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि इस फोन में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मोटोरोला ने अपना मोटो डिस्प्ले नाम की एक एप्लीकेशन मतलब एक फीचर है वो दिया हुआ है, तो उसको एनेबल करके आप कर सकते हैं, एक तरीके से आपको उसका अल्टरनेटिव मिल जाता है। लेकिन LED नोटिफिकेशन लाइट जो उसकी मतलब थोड़ी बात अलग होती है, सो फोन थोड़ा सही लग जाता है अगर आप एक LED नोटिफिकेशन लाइट से मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलती है। अगली जो दिक्कत इस फोन में आपको यूज़ करते वक्त आ सकती है वो है अगर आप इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, इवन आप 1080p में भी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको इमेज स्टेबल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन तो मिलता है, बट दैट इमेज स्टेबलाइजेशन इज नॉट दैट गुड, क्योंकि यहाँ पर जो आपको काफी शेकी फुटेज देखने को मिल सकती है इस फोन से। अब ये भी जो है रिव्यू देखने के बाद ही पता चला है, ऑब्वियसली इस फोन के स्पेसिफिकेशंस में ये बात पता नहीं लगाई जा सकती थी कि स्टेबलाइजेशन कितनी अच्छी काम करती है। यहाँ पर जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है जो आपको इतने अच्छे तरीके से आपको वीडियो कैप्चर करते वक्त स्टेबलाइज्ड पिक्चर दे या वीडियो दे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए अगर आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सोच रहे हैं फोन से मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करने वाले हैं, वो भी रियर कैमरा में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। फोन के कैमरा में जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की गई है, लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा से अगर आप क्लिक करते हैं वो इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं होंगे। यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर एज डिटेक्शन वाली अच्छी नहीं है, यहाँ पर अपडेट से ये काम सही किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ आपको फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे इस स्मार्टफोन में। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और छोटी बातें हैं, वो ये है कि आपको डायलर से डायरेक्टली वीडियो कॉल का ऑप्शन इस फोन में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर फेस अनलॉक वाला फीचर जो है वो अब ऑब्वियसली फ़ोन जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड पर आता है, तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक है वो मोटोरोला की तरफ से कोई खुद का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो फेस अनलॉक है वो आपको यूज़ करने को मिल सकता है, जो कि इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। हालांकि कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर वाला कोई भी फेस अनलॉक इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है कभी भी, लेकिन फिर भी अगर मतलब एंड्रॉइड से थोड़ा बेटर होता है वो, लेकिन इसमें देखने को फिलहाल आपको नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इसमें इन कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी नहीं है, यानी आप जो है डायल करने नंबर डायल करने के बाद जो है अगर आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उससे नहीं कर सकते, आपको सेपरेटली एप्लीकेशन इसके लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वीडियो कॉल के लिए भी आपको सेपरेट एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी यही थे कुछ इशूज़ या ड्रॉबैक्स या फिर बुरी बातें इस फोन के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो
फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की सेल्स चल रही हैं, तो आपको ये बातें जाननी ज़रूरी है कि ये फ़ोन आपको खरीदना है या नहीं, उससे पहले ये बातें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ और मतलब खामियाँ वगैरह लेके आते रहता हूँ। बाकी तो सब सुनाते रहते हैं कि मतलब फ़ोन कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मेरा भी काम भी यही है कि मैं आपको बताऊँ कि फ़ोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर आप इस वीडियो में मतलब अच्छा लगा हो, वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो, तो डेफिनेटली यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।